हकीम साहब कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। उषा हमारे साथ जुड़ी हैं, पहली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बदायूं से कर रहा है, हमारी आंखों में पर मोतियाबिंद हो गया है जी। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 50 से ऊंची है जी। देखिए, मोतियाबिंद इस उम्र में होता है कुछ लोगों को। जो लोग अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पाते उन्हें मोतियाबिंद हो जाता है, और अगर ये पक गया है तो इसका आपको ऑपरेशन करा देना चाहिए। आंखों को किसी नेक डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कराएं तो बहुत आसान है। अगर ये मामूली सा है तो आप गुलाबी फिटकरी लीजिए। फिटकरी दो तरह की आती है, एक गुलाबी से रंग की होती है, एक सफ़ेद रंग की। गुलाबी फिटकरी लीजिए तो एक दो रुपए की आ जाएगी, और एक चावल के बराबर गुलाबी फिटकरी, एक चावल के बराबर 100 मिलीलीटर, 100 ग्राम समझ लीजिए, 100 मिलीलीटर गुलाब जल में डालिए और उसे हिलाइए, शीशी में रख के हिलाइए, और एक या दो कतरे सुबह ड्रॉप, एक या दो ड्रॉप सुबह, एक या दो ड्रॉप शाम को डालें। अगर मामूली है तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं पूजा, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है पूजा आपका। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी आदाब पूजा जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना हस्बैंड को घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा जी। एज बताइए अपनी। हस्बैंड की एज है 37। अच्छा। और बेचैनी रहती है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है और घबराहट आने लग जाती है, और हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं। बेटा, ब्लड प्रेशर जांच कराई उनकी? हाँ जी, वो ठीक आया है डॉक्टर साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नींद की प्रॉब्लम हो रही थी, वो ठीक हो गई है, बट अभी भी दिन के टाइम कभी भी घबराहट होने लग जाती है और बेचैनी और मन में गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। ठीक है, आप उनका बहुत ख्याल रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर बीवी ख्याल रखने वाली हो तो शौहर को कुछ नहीं हो सकता, पति को कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, एक सिरका आता है और उसको कहते हैं एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका रात के समय 2 या 3 छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिन्हें कहते हैं, एक गिलास पानी में मिलाकर उन्हें पिला दिया करिए। आपके पति बिल्कुल ठीक रहा करेंगे, ख्यालात भी बुरे नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, और आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमसे बात करना चाहती हैं, अनीता हैं इंदौर से, स्वागत है आपका। जी मैं तो बात कर रहा हूँ, आप फरमाइए, क्या आपकी सेवा करूँ? अच्छा अच्छा, हाँ नमस्ते जी। बहुत साल भर से ट्राई कर रहे थे, तो अभी मेरे को ये पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा बीपी हाई रहता है। ठीक है, तो वहाँ से सिरका वगैरह भेजा था भैया ने, मैंने ऑनलाइन से दवा मंगवाई थी जैतून का सिरका, तो मैं ले रही और दवाई भी भेजी थी। कैसी तबीयत आपकी? हाँ अभी तो थोड़ा कम हो गया, पर जैसे अभी मेरी बहू अहमदाबाद में गई है तो मेरे को काम का लोड पड़ता है, तो पैर में सूजन तो नहीं आती पर दर्द खूब हो रहा है। अच्छा, कितने दिन से आप ले रहे हैं ये दवाएं? दवा अभी 8 दिन से आई है डॉक्टर। अच्छा अच्छा, देखिए आप बहुत इत्मीनान से ये दवा लेती रहे, और देखिए जो उम्र है आपकी और मेरी, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली नहीं है। हालांकि आपकी और उम्र के और मेरी उम्र के लोग मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन आप आसान काम सब कर लिया करिए, और बहू भी आपका ख्याल रखे तो बहुत अच्छा। जो बहुएं अपनी सास का ख्याल रखती हैं तो उनको अपनी माँ के सेवा करने का पुण्य प्राप्त होगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि वो सेवा नहीं कर पाते जो अपनी माँ की करते हैं। अगर हमारी बहुएं ऐसी होने लगें कि हमारी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगें, और वैसे ही अगर कोई सास से गलती हो भी जाती है तो उसे इग्नोर कर दें, तो हमारे घरों के माहौल बहुत अच्छे रह सकते हैं। आपको 8 दिन हुए हैं, 8 दिन में फ़ायदा शुरू हो गया। मैं कहता हूँ 8 दिन में फ़ायदा शुरू होता है थोड़ा थोड़ा, और आप 2-3 महीने खाएं। अगर आपको 1 महीने में भी पूरा फ़ायदा हो जाए
दो तीन महीने से पहले आप दवा न छोड़ें ताकि आपको तमाम उम्र फायदा रहे। इसी के साथ दर्शकों नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर बिलासपुर जिले से बात कर रहा हूँ, राजेंद्र कुमार निदाम। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी भाई बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पेट में सूजन है और जो जी पेट में सूजन है और कड़ा रहता है ठोस। एज बता दीजिए अपनी। लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं जी, बालिग आदमी की आवाज़ थी और बालिग आदमी जो है वो उसके लिए एक नुस्खा बताता हूँ कि देखिए पेट जो है जी बीमारियों की जननी है, इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो बहुत सी बीमारियाँ होंगी नहीं। और देखिए जो किचन में हमारे धनिया मिर्चे हैं ना, ये दवाएं हैं, इनमें ज़रा सा कुछ मिला दो तो ये दवा का काम करने लगते हैं, और अगर इन्हें सब्जी सालन मिला दो तो गज़ा का काम करने लगते हैं, यानी खुराक का काम करने लगते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ये गज़ा को दवा बनाना सिखा दूँ। मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और गज़ा को दवा बनाना जानते हैं। लिख लिया करिए मेरे नुस्खे। देखिए धनिया बहुत कीमती है, जब तक आप इस्तेमाल करेंगे आपको थायराइड नहीं होता। तो धनिया लीजिए 100 ग्राम, सौंफ लीजिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धनिया, सौंफ, सौंट यानी अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर होता है उसे सौंफ सौंट कहते हैं। धनिया, सौंफ, सौंट, अलसी और एक आता है मोरिंगा का गौंद, गौंद मोरिंगा कहते हैं, ये 100 ग्राम मिला लीजिए, इन्हें खूब पाउडर बनाएं। शर्त ये घर पर पाउडर बनाएंगे और सारा रॉ मटेरियल लाएंगे, घर पर पाउडर बनाएंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा क्योंकि आपको फ़ायदा पूरा होगा। इसका 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम आप पानी से खाएं, और अगर 5 बार गर्म पानी पिए तो जिस दिन से आप शुरू करेंगे ये नुस्खा उस दिन से आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं इंदु लुधियाना से हमारे साथ, स्वागत है इंदु आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। जी आदाब इंदु जी, बात कर लो। हाँ जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी मेरा आदाब अर्ज़ है, बताइए क्या सेवा। हाँ जी नमस्कार सर, मैं बहुत देर से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद सर। मैं आपके नुस्खे लिख के रखती हूँ सारे जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। मैं भी बहुत खुश हो गया। आपको कुछ फायदा देते हैं मेरे नुस्खे? हाँ जी हाँ जी, मैंने लिख के रखे हैं तकरीबन, मैं लेती हूँ आपके ही नुस्खे बना के रखे हैं मैंने। अच्छा क्या सेवा है अब बताइए। डॉक्टर साहब मेरा बेटा है 38 ईयर्स का, और उनकी आंखों का 4-5 से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसका कुछ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। कभी आंखों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ एलोपैथी डॉक्टर कुछ राय नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही बात की। परेशानी उसको बताइए, तफसील से बताइए। आंखों की परेशानी है डॉक्टर साहब उनको। नहीं होता क्या है उसको, किस वजह से? आंखों में कुछ नाली सी है, वो भी कहते हैं कि इसकी आपका ट्रीटमेंट टीवी हो सकती है, टेस्ट करवाई जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ हाथ नहीं आ रहा कुछ भी। बहुत डॉक्टरों से राय ले चुके हैं, अभी कल ही इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर साहब हमने उसका। ठीक है, तो देखिए डॉक्टरों की बात तो जरूर मानना और उनको वो ट्रीटमेंट जरूर देना। एक मामूली सा नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। देखिए गाजर का जूस रोजाना एक गिलास उनको पिलाना है, और उसमें आधा ग्राम गौंद मोरिंगा उसमें डालकर पिलाना है। गौंद मोरिंगा ज़रा मुश्किल से मिलेगा, और असली लेना आधा ग्राम गौंद मोरिंगा, एक गिलास गाजर का जूस रोज़ाना इस बच्चे को पिलाना है। और डॉक्टरों से भी आप संपर्क में रहिए, पूरा उनका इलाज भी करिए, मुझे उम्मीद है कि बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से शिवानी हमारे साथ, स्वागत है शिवानी जी आपका। हेलो। हाँ जी सवाल कीजिए। क्या पूछूं?
हाँ, मुझे ना ये पूछना है कि मेरे पापा को हरनिया है, तो उसके लिए कोई उपाय आप बता सकते हैं? ठीक है, एज कितनी है आपके पापा की? एज 40 साल। अच्छा, देखिए हरनिया अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेशन बेहतर है, अगर मामूली सा है तो वो ठीक हो सकता है। देखिए, एक तो हरनिया वाले को वज़न नहीं उठाना चाहिए, उससे हरनिया बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि जो स्किन टाइट नेकर है वो पहनने चाहिए, और अगर हाइड्रोसिल तक पहुंच गया है ये वो जगह बढ़ जाती है तो ये फूल आते हैं, आप लिख लीजिए, फूल होते हैं टेसू के फूल, टेसू के फूल लें, थोड़ा सा 1-2 किलो खरीद लें और वो थोड़े से गर्म पानी में, खूब गर्म पानी में डाल दें, और फिर उनको जब वो पानी को पी लें और वो गर्म गर्म हो तो उस जगह पर बांध कर कोई पॉलीपैक बांध लें, और ये अमल रोज़ाना करें कई हफ्ते तक, तो अगर थोड़ा सा है तो उसका ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, ठीक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि आपका हर्निया जो है वो किस स्टेज पे पहुंच गया है। बाकी आप ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा, आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिएगा, और दर्शकों बातों का ख्याल रखिए क्योंकि परहेज़ आपको करने होंगे नुस्खे अपनानों के साथ साथ। अगर आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है जो कि आपको हकीम साहब यहाँ पर बताते हैं, तो उसके लिए आप हकीम साहब की कंपनी से भी रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, असली रॉ मटेरियल आप तक पहुँचाया जाता है, यही हमारी कोशिश रहती है। मन में आपके कोई भी रोग संबंधी प्रश्न चल रहा हो, आपको कोई रोग हो गया हो, आपके परिवार में, नाते रिश्तेदार में किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है जो कि दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साथ के जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मंजू, स्वागत है आपका। जी मेरे को मैडम सर में दर्द हो रहा है जी, 1 महीना करीब हो गया सिर में दर्द हो रहा है। उम्र क्या है आपकी? मेरी 50 ये लगभग है। 50 जी। अच्छा मंजू, आप ठीक हो सकती है, लेकिन आप गौर से देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये उम्र में अक्सर हमें सर दर्द होता है, और फिर हमारा वो होता है कि कोई कहता है आंखें कमज़ोर हो गई तो आंखें टेस्ट करा देते हैं, कोई कहता है दिमाग कमज़ोर हो गया दिमाग टेस्ट कराते हैं, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है वो है एक मर्ज, उसे कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल यहाँ गर्दन में रगें दब जाती हैं जो सर की तरफ जा रही हैं, तो सर में दर्द होता है, किसी किसी को तो बहुत बुरी तरह चक्कर भी आते हैं, और ये बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है। ये देखिए, गौर से देख रहे हैं, अगर आपके पास फ़ोन है तो मेरी क्लिप भी बना सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या करना है। एक तो ये आपको दिन में 2-4 मिनट करना ही करना है रोज़ाना, और एक ये ऐसे 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 पूरी तरह मोड़ दीजिए इसे, और यहाँ देखिए जब मोड़े तो ये 2-4 मिनट करना है। आप आज करेंगे तो 10वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द चला गया, अगर चला जाए तो मेरे लिए भी कुछ दुआ कर देना, आपका फायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है रमेश, अमृतसर से हमारे साथ, स्वागत है रमेश जी आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी रमेश जी, आदाब सर। अपना टीम साहब एक्सपा कि मेरी कर मेरी ना लता उड़ियां दो दिया, पहला सतां सतां लगियां सी, हुन चलन फिर तो पटाके जी पंदी है। बॉडी पेन होता है इनको? अच्छा, बॉडी पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है। एज कितनी है? 69। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने इस उम्र में भी कांटेक्ट किया। जो लोग अपना ख्याल रखते हैं वो कुछ भी करते हैं, अपना ख्याल रखना ही होता है, अपना ख्याल ज़रूर रखना है, और चाहे उम्र कोई भी हो सेहत के साथ जीना है। जो भी इस उम्र के लोग हैं जो तकलीफ में हैं, उनके लिए एक दवा, एक रॉ मटेरियल बहुत कामयाब और बहुत अच्छा काम करता है। सब्र वालों के लिए गोंद स्याह, काला गोंद कहते हैं इसे, ज़रा मुश्किल से भी मिलता है, ज़रा नकली मिलता है, अच्छी चीज़ ज़रा मुश्किल से मिलती है,
और उसकी नकल बनाने वाले तो हमारे यहाँ बहुत हैं। तो असली लीजिए गौंद स्याह, काला गौंद, और इसको पाउडर बना लीजिए, ये रॉ मटेरियल मिलता है, पाउडर बना लीजिए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, या आप 200 ग्राम खरीदें और ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।